हेलो गाइस, आज की न्यू अपडेट आप देख सकते हैं। आज आपके लाए एक नई वीडियो नाइलेट एडमिट कार्ड 2024। अगर दोस्तों आपने नाइलेट की तरफ से किसी भी एग्ज़ाम पद के लिए फॉर्म फिलअप किया हुआ है, जैसे ड्राफ्टमैन सी, लैब असिस्टेंट ए और बी, ट्रेडमैन बी और यहां पर हेल्पर बी, तो नाइलेट की तरफ से इन सभी पोस्ट के लिए हाल ही में एडमिट कार्ड लिंक जारी कर दिया गया है। जो कैंडिडेट यहाँ पर वेट कर रहे थे, जिनने एग्ज़ाम फॉर्म फिलअप किया हुआ था कि एडमिट कार्ड कब तक जारी होगा, कैसे जारी होगा, बहुत से कैंडिडेट के पास ईमेल भी आ चुकी है, एसएमएस भी आ चुके हैं, तो वीडियो के माध्यम से जानेंगे हम इस पोस्ट के लिए, किसी भी पोस्ट के लिए एडमिट कार्ड कैसे निकाल सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से। तो लास्ट तक वीडियो बन रही है और देखिए फुल प्रोसेस। एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए आपको लास्ट तक वीडियो देखना होगा, कोई आपको पॉइंट नोट ना छूट जाए, तो इसलिए आप यहाँ पर लास्ट तक बने रहिए। तो सिंपली क्या करना है, आपको आना है ऑफिशियल वेबसाइट पर नाइलेट की पे, जहाँ आपको एडमिट कार्ड डाउनलोड करना है। तो यहाँ देख सकते हैं मैंने पहले से लिंक ओपन किया हुआ है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिल जाएगा। डायरेक्टली पेज ओपन कर लेंगे अपने मोबाइल के माध्यम से या अपने लैपटॉप के माध्यम से। ओपन करने के बाद में ये आपके सामने इस तरह से इंटरफेस ओपन हो जाएगा। आप थोड़ा स्क्रॉल नीचे जाएंगे, यहाँ पे देख सकते हैं रिक्वायरमेंट, जो आपकी वैकेंसी थी कब जारी की गई थी, 2023 में वैकेंसी आई थी, उसके हिसाब से आपका 2024 में एग्ज़ाम कराया जा रहा है। यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ भी है ड्राफ्टमैन, लैब असिस्टेंट, ट्रेडमैन और यहाँ पर हेल्पर के लिए। तो सिंपली क्या करना है, जो कैंडिडेट यहाँ पर फॉर्म फिलअप किया हुआ था उनके पास होनी चाहिए रजिस्ट्रेशन आईडी। यहाँ पे आप पहले क्या करेंगे, कुछ स्टेप फॉलो अप करने होंगे, रजिस्ट्रेशन आईडी फिल करेंगे, आधार कार्ड या आधार कार्ड का नंबर, ये कदर आईडी, जब आपने फॉर्म फिलअप किया होगा वो आपका नंबर यहाँ पे फिलअप करना है। फिर डालना है यहाँ पर कैचअप कोड, कैचअप कोड डालने के बाद आपको लॉगिन पर क्लिक कर देना है। बहुत से हमारे साथी ऐसे होंगे जिनके पास रजिस्ट्रेशन आईडी नहीं होगी, तो क्या करेंगे वो आप यहाँ से फॉरगेट भी कर सकते हैं ये रजिस्ट्रेशन आईडी। नंबर निकालने के बाद आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन आईडी फिल करेंगे और डायरेक्ट यहाँ पर अपना एडमिट कार्ड निकाल सकते हैं। तो मैं आपको बताता हूँ दोस्तों क्या करना है, मेरे पास जो है रजिस्ट्रेशन आईडी है और मैंने यहाँ पर आधार नंबर डाला हुआ था, एक कैचअप कोड डालेंगे और सीधे यहाँ पर लॉगिन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद दोस्तों आपके फ़ोन पे जाएगा एक ओटीपी, तो आपको करके दिखा देते हैं किस तरह आपको यहाँ पर करना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने रजिस्ट्रेशन आईडी और यहाँ पर अपना आधार नंबर डाल लिया, जो मैंने यहाँ पर फॉर्म में फिलअप करते हुए डाला था, और यहाँ पर कैचअप कोड डाल लिया। सीधा क्या करेंगे, हम यहाँ पर लॉगिन पे क्लिक करेंगे, क्लिक करते ही आपका नेक्स्ट स्टेप जो होगा आपका ओटीपी फ़ोन पर आएगा। अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने लॉगिन पे क्लिक किया था, क्लिक करने के बाद आपका ओटीपी आपके फ़ोन पर आ जाएगा। आपको यहाँ पर इस तरह से अपने फ़ोन में जहाँ भी एसएमएस आया वहाँ पर आपको कॉपी कर लेना है। ओटीपी जाएगा आपके ईमेल आईडी पर और यहाँ पर ईमेल आईडी पर, मोबाइल नंबर पर जाएगा, ईमेल आईडी पर जाएगा, वो ओटीपी आपको फिलअप कर देना है। साथ में कैचअप कोड डालेंगे, सीधा यहाँ पर लॉगिन पर क्लिक करेंगे। एक चीज़ का आपको दोस्तों ध्यान रखना है, जो भी आप यहाँ पे डिटेल डाल रहे हैं वो आप यहाँ पे इनकरेक्ट ना होने के कारण से आपको यहाँ पर रिजेक्ट भी हो सकता है, यहाँ सबका आपका एडमिट कार्ड नहीं निकल देगा। तो इसलिए आपको डिटेल सभी अच्छे से फिल करके, रजिस्ट्रेशन नंबर, आईडी, आधार नंबर, जब भी आप लॉगिन पर क्लिक करके अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। इतने स्टेप फॉलो करने के बाद क्या करना है, आपको आना है नीचे प्रोसेड इन लॉगिन पर, नीचे आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा, ये रहा, इस पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में ये आपका सामने इस तरह से इंटरफेस ओपन हो जाएगा। जो भी आपकी डिटेल फॉर्म फिल की हुई है वो आपको यहाँ पर नीचे दिखाई देगी, जैसे यहाँ पर देख सकते हैं आपके सामने इस तरह से इंटरफेस जब दिखाई देगा तो आपको दिखाई देगी बेसिक डिटेल, जैसे यहाँ पे प्रिंट एप्लीकेशन, यहाँ पे एडमिट कार्ड नीचे दिखाई देगा। तो क्या करना है, आपको यहाँ पर दिखाई देगा एडमिट डाउनलोड एडमिट कार्ड, इस पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में आपके सामने नीचे दिखाई देगी पोस्ट, जैसे यहाँ पर क्लिक करेंगे नीचे एप्लीकेशन नंबर पर, तो आपको जो भी आपने एप्लीकेशन फॉर्म भरा था जिस पोस्ट के लिए, जैसे यहाँ पर ड्राफ्ट पेन, यहाँ पे लैब टेक्नीशियन असिस्टेंट के लिए, अटेंडेंट के लिए जो भी फॉर्म फिलअप किया हुआ था या हेल्पर के लिए, तो वो आपके यहाँ पर नीचे दिख जाएगा, तो उसमें आप यहाँ पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद डाउनलोड एडमिट कार्ड पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ से डाउनलोड करने के बाद में आपका जो एडमिट कार्ड होगा वो डाउनलोड हो जाएगा। और वो कहाँ जाएगा, जैसे अगर फ़ोन में आप निकाल रहे हैं तो आपको दिखाई देगा थ्री डॉट, जब मैंने एरो किया हुआ है इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में आपको यहाँ पर दिखाई देगा डाउनलोड, डाउनलोड पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपका एडमिट कार्ड ऑटोमेटिक यहाँ पर शो हो जाएगा, जो आप यहाँ पर एडमिट कार्ड निकाल रहे हैं, तो यहाँ से क्लिक करके पीडीएफ कैफे जाके निकाल सकते हो, यहाँ पे अपना स्क्रीन शॉट लेकर आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो दोस्तों इस माध्यम से अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करेंगे जिससे आपको दिखाया जा रहा है। किसी प्रकार समस्या आपको आती है एडमिट कार्ड डाउनलोड करने में, तो अपना कमेंट बॉक्स कमेंट कर सकते हैं, आपकी हेल्प की जाएगी। मेरी का जानकर संतुष्ट हैं, वीडियो खासकर उन कैंडिडेट के लिए बनाई जा रही है जिनको एडमिट कार्ड निकालने में समस्या होती है, ये उनके लिए वीडियो हेल्पफुल रहेगी। और वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक जितने करना ना भूलें, चैनल सब्सक्राइब जरूर करें ऐसी नई नई अपडेट देखने के लिए। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। और किसी प्रकार की समस्या आपको नहीं आती है
तो यहाँ पर कमेंट में रिव्यू जरूर दें।